हेलो दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू भर्ती की अपडेट आज बात करने वाले हैं यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा चार सौ उनचास पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है मेट्रो रेल के अंदर गवर्नमेंट जॉब करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी क्वालिफिकेशन क्रेटरिया क्या है एज लिमिट क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एग्जाम पैटर्न क्या है सिलेबस क्या है सैलरी कितनी मिलेगी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी और भर्ती के लिए कौन कौन भारतीय आवेदन कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइको को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट दो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके अंदर चार पदों पर भर्ती की जाएगी इसके अंदर दो तरह की पोस्ट निकाली गई हैं एक है एग्जीक्यूटिव और एक है नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर जो पोस्ट निकाली गई हैं उस प्रकार है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की ग्यारह पोस्ट निकाली गई हैं असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी की 6 पोस्ट निकाली गई हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की तीन पोस्ट निकाली गई हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी की तीन पोस्ट निकाली गई हैं, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की चार पोस्ट निकाली गई हैं, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की एक पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की दो पोस्ट निकाली गई हैं, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की एक पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की एक पोस्ट निकाली गई है अब बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की इसके अंदर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 88 पोस्ट निकाली गई हैं, जूनियर इंजीनियर एस की 44 फोर पोस्ट निकाली गई हैं, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की 155 पोस्ट निकाली गई हैं, अकाउंट असिस्टेंट की आठ पोस्ट निकाली गई हैं, ऑफिस असिस्टेंट एचआर की चार पोस्ट निकाली गई हैं, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की चार पोस्ट निकाली गई है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की 78 पोस्ट निकाली गई हैं, मेंटेनर एस की 26 पोस्ट निकाली गई हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक बी टेक इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैनेजर एस एन टी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन वॉल्यूशन है बीई बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की पोस्ट के लिए एक वालिफिकेशन है बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन असिस्टेंट मैनेजर आई टी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीई बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है चार्टेड अकाउंटेंट सी ए असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन है बी आर्किटेक्ट असिस्टेंट मैनेजर एच के लिए क्वालिफिकेशन है एम बी ए इन एच आर पी जी डी एम इन एच आर असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है इस प्रकार है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर एस के लिए क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक वॉयिशन है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स ऑफिस असिस्टेंट एचआर के लिए एक वॉलिवेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए एक वॉल्यूशन है बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए एक वॉलवेशन है आई टी सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड मेंटेनर एस के लिए एक वॉल्यूशन है आई टी सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स बात करते हैं एज लिमिट की सभी ट्रेड के लिए एज लिमिट इक्कीस वर्ष से लेकर अट्ठाईस वर्ष के बीच रखी गई है आयु की गणना एक मार्च दो हजार चौबीस को आधार मानकर की जाएगी इसके अंदर ओबीसी के लिए तीन वर्ष और एस सी एस टी के लिए पांच वर्ष की छूट रहेगी बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है इस प्रकार है फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू एस के लिए एप्लीकेशन फीस ग्यारह सौ अस्सी रूपए रखी गई है और एस सी एस टी के लिए एप्लीकेशन फीस आठ सौ छब्बीस रुपए रखी गई है बात करते हैं अप्लाई डेट की आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च 2024 से लेकर 19 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ग्यारह मई दो से लेकर चौदह मई दो तक टोटल वेन्सी है चार सौ उनतालीस पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया वैकेंसी है परमानेंट जॉब है मेल और फीमेल दोनों लिए अप्लाई कर सकते हैं बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की आपका एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर कम्प्यूटर रिटर्न एग्जाम होगा क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस लॉजिकल एबिलिटी क्वान्टिटी एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उसके अंदर 140 फोर्टी क्वेश्चन आएंगे 140 फोर्टी मार्क्स के जिसके लिए आपको दो घंटे का टाइम मिलेगा और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के जिसके लिए आपको दो घंटे का टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग वन बाई थर्ड रहेगी आपका एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेड रिटर्न एग्जाम होगा जो कैंडिडेट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे आगरा अलीगढ़ बरेली गाजियाबाद गोरखपुर झांसी कानपुर लखनऊ मथुरा मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरनगर नोएडा प्रयागराज वाराणसी अयोध्या बस्ती एंड सीतापुर को अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम में जाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी कैंडिडेट मस्ट केरी एडमिट कार्ड वन पासपोर्ट साइज फोटो है बात करते हैं कि आपको इसके अंदर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है जो कि इस प्रकार है डब्ल्यू इसके बाद आपको अपनी वैलिड पर्सनल ई मेल के थ्रू इसको लॉग करना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास वैलिड ई मेल और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द यूपीएमआरसी वेबसाइट डब्लू डब्ल्यू डॉट यूपी मेट्रो रेल डॉट कॉम एंड क्लिक ऑन द लिंक कैरियर्स रिक्रूटमेंट दो हजार चौबीस इसके बाद आपको इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है इसके बाद आपको फिलअप ऑल दी डिटेल्स के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भरना है जैसे कि आपकी एज आपका नाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके फादर का नाम डेट ऑफ बर्थ इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है जैसे कि आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो सिग्नेचर स्कैन कॉपी और आपके जो स्कैन कॉपी की साइज होगी वो अस्सी के बी होगी इन जेपीजी फाइल्स ओनली सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको इसको फाइनल सबमिट कर देना है और लास्ट में इसकी एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है जो कि फ्यूचर में काम आएगा अब बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च 2024 से लेकर 19 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं और अगर आप ओबीसी एस सी एस कैंडिडेट हैं तो आपको इसके अंदर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा और अगर आप ईडब्ल्यू एस 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 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट देना होगा इसके अंदर जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके अंदर प्रोफॉर्मा दिया गया है आपको उस प्रोफॉर्मा के अनुरूप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा ये आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है ये इसका प्रोफॉर्मा है ये परफॉर्मा ई डब्ल्यू एस के लिए है ये परफॉर्मा एस सी एस टी कैटेगरी के लिए है और ये परफॉर्मा ओबीसी कैटेगरी के लिए है आपको इसी परफॉर्मा के अंदर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं, तो आपको ये परफॉर्मा के अनुरूप अपना सर्टिफिकेट देना होगा और अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के अभ्यार्थियों हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा और जिसका प्रोफॉर्मा इस प्रकार है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रोफॉर्मा के अनुरूप आपको अपना डोमोसाइल देना होगा अब बात करते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे इसके अंदर आपको आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ईमेल आई आधार कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डोमोसाइल अन्य कोई दस्तावेज जिसका भारतीय लाभ लेना चाहता है जैसे कि आपका कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या कोई आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं बात करते हैं सैलरी की इसके अंदर सभी कैटेगरीज के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है इसके अंदर न्यूनतम सैलरी पैंतीस हजार रुपये शुरू होगी और अधिकतम सैलरी डेढ़ लाख रुपए तक रहेगी इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत